अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो यार फाइनली आप लोगों की डिमांडिंग वीडियो आ चुकी है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कॉन्करर के रिलेटेड और बताऊंगा कि किस तरह आप लोग अपनी केडी बहुत अच्छी बना सकते हैं और रैंक भी बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं। और पर्सनली बताऊंगा कि मैंने किस तरह किया और मैं आप लोगों को रिसेंट चांद जो है अपने कैरियर रिजल्ट से वीडियोस भी दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि भाई साहब वाकई ही ऐसा ही है। सो, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों ने डिमांड की थी और मैंने सोचा चलें अपना कॉन्करर हो गया तो आप लोगों को बता देते हैं। तो बिना किसी देरी के आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कॉन्करर हो चुका है और मैं अभी फ्रेम भी कलेक्ट कर चुका हूँ, वरना मैंने 147 मैचेस खेल के अपना कॉन्करर किया था विद 4.50 KD। तो सीन कुछ ऐसा है कि भाई मैंने लिवी खेला है, टोटल लिवी खेला, इरेंगल को मैंने टच भी नहीं किया, एक गेम भी नहीं खेली। आप यहां पे चेक कर सकते हैं कि मेरा एवरेज सर्वाइवल कितना है, 11.9 मिनट्स। सो प्रूव हो जाता है कि भाई लिवी कैब, अगर नहीं प्रूव आप लोगों को यकीन आता हो तो नीचे लिखा हुआ है लॉन्गेस्ट सर्वाइवल कि सबसे ज्यादा सर्वाइव मैंने कितने मिनट किया, तो वो 17.1 मिनट है। और आप लोगों को पता है कि अगर हम हील बैटल वाले जोन तक जाते हैं तो वो लिविक में 17 मिनट तक जाता है। तो भाई ये वो वाला मैच हमारा एक गया था। तो बाकी ये है कि मैंने टोटली लिविक खेला है और मतलब ऑलमोस्ट पिछले सीजन मेरे लगे थे 135 मैचेस, इस दफा थोड़ा कंपटीशन हाई था और हमने भी थोड़ी सी मस्ती की है, थोड़ा बिजी थे इस वजह से हैर नहीं हुआ। तो खैर यहाँ पे हम अपनी फ्रेम भी कलेक्ट कर चुके हैं और इसको यूज कर लेते हैं, थोड़े शशके हो जाएं। तो भाई अब सीन ये है कि आप लोग किस तरह कॉन्करर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको मूड का भी बताया था और उसके अलावा मैंने आपको थोड़ी सी मतलब गाइड दी थी जो कि मेन थिंग थी कि कौन सा सर्वर कौन सा रीजन जो है वो आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहता है और कौन सा मूड, तो वो मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड की थी। आज की ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि किस तरह मैंने किया, लाइक मैंने क्या क्या किया काम जिससे मुझे अपना कॉन्करर मिल चुका है। तो भाई सबसे पहली बात आ जाती है कि आपने अगर तो सोलो में करना है फिर तो आप बहुत ज़्यादा सेव ही उतरें, लेकिन अगर आप स्क्वाड में या डुओ में कर रहे हैं तो फिर आपका सीन कुछ इस तरह का बन सकता है जिस तरह मैंने किया। तो भाई मैं साथ साथ आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात आ जाती है कि आपने बिल्कुल इलादा जाता है। खैर यहाँ पे एक और मैं बात आपको एडिट कर देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप सीधा कॉन्करर करते हैं बेशक एस के बाद करें तो आपका एस डोमिनेटर और एस मास्टर ऑटोमेटिकली हो जाता है और उसके टायर रिवार्ड जो है वो आप लोगों को खुद बहुद ही मिल जाते हैं 5 मैचेस पे और आपकी अचीवमेंट भी हो जाती है, आपको डोमिनेटर या मास्टर करने की जरूरत नहीं है। तो खैर अभी हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो भाई अगर सोलो में है तो आप तो फिर सेफ ही खेलेंगे, जाहिर सी बात है क्योंकि आपके पास चांस नहीं है, लेकिन अगर डुओ है या स्क्वाड है, ज्यादातर बंदे स्क्वाड के मुझे देखते हैं, तो भाई आपने क्या करना है अपने स्क्वाड से इलादा हो जाना है और आपने करना है फुल रश, ठीक है। अब रश करने की भी किस्म है, आपको मैं अपना बताऊं कि मैं क्या करता था। मैं भाई साहब ये सीन करता हूं, जैसे ही प्लेन उतरता है, प्लेन मतलब प्लेन में बैठते हैं हम, मैं अनफॉलो कर देता हूं अपने टीममेट्स को और मैं उनसे सेपरेट हो जाता हूं। अब एक बात है, अगर आप प्लेन का जो है अपना प्लेन को मूव करके उसकी बैक साइड पे देखें तो आप लोगों को बोट उतरते हुए नजर आते हैं, ठीक है। अब यहां पे आप लोग देखें मेरे किल होते थे हर गेम में, मतलब रियल भी मारे हैं सारे, बोट ही नहीं मारे, लेकिन यह है कि बोट का मैं आपको बताता हूं। अब जैसे ही प्लेन को पीछे वाली साइड करेंगे आप लोगों को काफी सारे बोट्स उतरते हुए नजर आएंगे। जैसे ही आपको बोट नजर आए आपने जंप कर देना है, जिधर बोट जाता है भाई आप उसके ऊपर जाएं बिल्कुल मतलब इत्मीनान के साथ, क्योंकि आपके टेंशन नहीं होगी। आप अगर आप मर भी जाते हैं तो भाई आपको अपने आपके टीममेट्स रिकॉल कर देंगे। अब यहां पर मैंने एक बोट को ऊपर मारा है, फिनिश किया, साथ ही इधर नीचे एक और बोट आ गया, इसके पास गन भी थी, सो मैंने जिगजैग करके इसको थोड़ा मार दिया, ठीक है। अभी क्या सीन है कि मतलब 2 किल मेरे फ्री में हो गए हैं, इसके बाद हमने उठा लेनी है गाड़ी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी बंदे थे, मतलब यहाँ पे हमने पूरा स्कॉर ले लिया, लेकिन सीन ये कि आपने सीधा आप बिना बोट के ऊपर ही उतरना है, कम से कम आपके 1-2 किल आराम से। उसके बाद आपने क्या करना है, एक दफा पूरे मैप में ना गाड़ी फेरनी है। उसका क्या सीन है, जहां पे बंदा या बोट आपको नजर आए आपने उसको मारना है, फिर उसके बाद अगर आप मर भी जाते हैं आपने फुली कॉन्फिडेंस के साथ खेलना है। ये नहीं कि बंदे कुछ होते हैं वो लेट जाते हैं, आपने लेटने वाला सीन नहीं करना, आपने क्या करना है भाई साहब गाड़ी को उठाना है और दौड़ने दौड़ने लग जाना है। मतलब ये है कि पूरा मैप में आपको कम से कम भी 3-4-5 बोट आराम से मिल जाएंगे और अगर बंदे मिल जाते हैं तो नॉक फिनिश करके आपके वो भी किल काउंट हो जाएंगे। जब आप मर जाते हैं तो तब आपने क्या सीन करना है, तब भाई साहब आपने फिर थोड़ा सा सेव हो जाना है, अपनी टीम के साथ साथ खेलना है, वरना पहले आपने किसी को अपने साथ नहीं रखना, बिल्कुल सेपरेट जाना है और अच्छे खासे किल कर लेने हैं। उसके बाद क्या होगा कि आप
तीन सर्कल तक अभी रिकॉल हो सकते हैं, तो आपके टीममेट आपको रिकॉल भी कर देंगे। तो भाई साहब ये स्ट्रेटजी है, यहाँ पे भी आप लोग देख लें कि यहाँ पे मैं उतरूँ, मैंने फिर इस बोट को मारा, उसके बाद यहाँ पे एक साथ ही एक और बोट आ गया, उसको मारा। तो सीन ये है कि भाई इस तरह बनती है केडी, अगर आप लेट जाएं एक ही जगह और कहें आपकी केडी बन जाए तो फिर नहीं बनती। अब मेरी जो है अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 की है, तो इसका सीन ये है कि अब यहां देखें 22 बंदे लाइव थे, ये बंदा इधर पूरा स्क्वाड थे, इस बंदे को भी मैं नॉक फिनिश देता हूं, उसके बाद इसका टीममेट आता है इसके ऊपर, उसे भी मैं नॉक फिनिश देता हूं, तो मतलब 2-3 किल यहां पे भी मेरे हो जाते हैं, बाकी इनका एक बंदा शायद रिकॉल पे होता है। तो सीन इसी तरह आपने करना है, कॉन्फिडेंस के साथ खेलना है और ये टेंशन नहीं लेनी कि आप मार के मार के आप तो भाई रिकॉल हो जाना इजीली। तो आपने रिकॉल का काफी फायदा उठाना है। बाकी ये है कि कॉन्करर अभी आप कोशिश करें थोड़ा ज्यादा खेल के ज्यादा हाई हो जाती है। तो यही थी आज की टॉप टिप्स एंड ट्रिक्स के भाई साहब आपने क्या करना है, बोर्ड के पास ही उतरना है, उसके बाद आपने गाड़ी लेके पूरे जोन में घूमना है, रियल मिले जो भी मिले आपने नॉक फिनिश फेंकना है, उसके बाद जोन टू जोन जाना है, एंड में जाके आपने मतलब अपनी टीम के साथ चिकन की ट्राई करनी है, थोड़ा सा सेव रह के अगर एंड सर्कल में ज्यादा बंदे हों तो आपने होल्ड करना है, जो भी जगह आपको मिलती है घर हो कोई भी जगह हो तो आपने वहां पे लेट जाना है थोड़ी देर के लिए या स्टे करना है, देन जब आपको मौका मिले जैसे ही कहीं पे फायर हो तो आपने पुश कर देना है जोन में इंटर हो जाना है। सो यही थी आज की वीडियो, होप करता हूँ आप लोगों के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल जरूर रहेगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।